तो मेरे पास आया है रेडमी नोट 10, ठीक है। रेडमी नोट 10 अलग होता है और रेडमी नोट 10 4G अलग होता है। तो ये नोट 10 है और इसमें दोस्तों चार्जिंग की दिक्कत है, ये चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी चार्जिंग वगैरह शो नहीं कर रहा है। तो इसको मैं हीट करके रख दूंगा, इसका पैनल निकाल दूंगा और इसको निकाल के आपको दिखाऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या है। चार्जिंग कनेक्ट की दिक्कत तो हो नहीं सकती है, अगर उसकी दिक्कत रहती तो मैं वीडियो बनाता नहीं। तो इसका मतलब इसमें कोई दूसरी दिक्कत है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चार्जिंग वोल्टेज चेक कर दिखाऊंगा। तो ये जो पत्ता लगा है सब बोर्ड को जोड़ने वाला, इसके नीचे चार्जिंग का जंपर पॉइंट है, तो इसके ऊपर मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। और मल्टीमीटर के आप देख सकते हैं यहाँ पर सही वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ तक के वोल्टेज आ रहा है। मैंने डायरेक्ट यहीं पर वोल्टेज चेक किया है, मैंने चार्जिंग बोर्ड को बिल्कुल भी नहीं खोला है। तो यहाँ पर आपको जैसे दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये कनेक्टर के ऊपर ये जो बैटरी कनेक्टर है ये थोड़ा सा काला पड़ गया है। ये काला इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको कभी ना कभी पानी लगाऊंगा और वो पानी की वजह से ये हल्का सा काला हो गया। अब इसमें जैसे डस्ट वगैरह घुस जाती है मोबाइल में, और डस्ट जैसे घुस गई और मोबाइल को अगर पानी भी लग गया तो डस्ट और पानी मिल के जंग तैयार करते हैं और सोल्डर को ख़राब कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस भी बन जाता है पानी और डस्ट दोनों मिलके। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपस में शॉर्ट भी हो जाते हैं और कभी कभी इनमें रेजिस्टेंस भी बनता है, तो जिसके कारण कई सारी दिक्कतें आने लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस मोबाइल में भी सेम इसी का प्रॉब्लम होगा, बैटरी कनेक्टर से प्रॉब्लम होगा। तो जैसे मैंने कि आपको वीडियो में दिखाया, मैंने इस जंपर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज चेक किया और यहाँ पर 5.20 वोल्टेज दिखा रहा था। तो उसके बाद जैसे अगर चार्जिंग आईसी की तरफ वोल्टेज नहीं जा रहे हैं तो जंपर लाइन कुछ इस तरह से आप जंपर लगा सकते हैं। और इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कई बार हमारे इस चार्जिंग के जंपर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज दिखाता है लेकिन उस वोल्टेज के साथ प्रॉपर एम्पियर नहीं आ पाता, जिसके कारण चार्जिंग होता नहीं मोबाइल, या फिर चार्जिंग शो करता है तो चार्जिंग बढ़ती नहीं, या फिर कभी कभी चार्जिंग दिखाता ही नहीं। तो ऐसे में ये जो हमारा कनेक्टर है जो सब बोर्ड को जोड़ता है, इस कनेक्टर के ऊपर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये माइनस लाइन है और ये प्लस लाइन है, तो इनको रिसोल्डर कर देना। इनको अगर आप रिसोल्डर कर देते हो तो प्रॉब्लम निकल जाएंगी। दूसरा, जो मेन बोर्ड से सब बोर्ड को जोड़ने वाला पत्ता होता है बीच में लगा, उसको भी रिसोल्डर कर लेना चाहिए। उसके भी सेम ऐसी माइनस प्लस वाले लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, ऐसा सेम उसमें भी रहता है पत्ते में भी इसी जगह पे, तो उसको भी रिसोल्डर कर देना, 100% प्रॉब्लम निकल जाता है। उसके बाद आप इस तरह से जंपर लगा सकते हैं अगर सब कुछ ओके है। कई बार अगर जैसे चार्जिंग बढ़ती नहीं या स्लो चार्जिंग होती है तो चार्जिंग कनेक्टर में दिक्कत होती है, और कई बार चार्जिंग स्लो होने की दिक्कत माइनस डाटा और माइनस प्लस वाली लाइन जो होती है उनसे भी होता है। अगर वहाँ से कोई एक लाइन अगर छूट गई कनेक्टर से तो ऐसे में भी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको यहाँ पर इसका भी डायग्राम में इसका आपको ये दिख रहा है, ये जंपर पॉइंट है और इस तरह से आप इसका जंपर लगा सकते हैं चार्जिंग कनेक्टर तक के। अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अब मैं आपको शॉर्टकट में सीधा बता रहा हूँ, वैसे इसमें समझाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं और समझाने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैंने सीधा मेन बोर्ड के ऊपर से आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं जो मेन बोर्ड में होता है। अगर आप भी मेरे पास मोबाइल रिपेयर करने के लिए भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस पर आप अपना मोबाइल भेज सकते हैं रिपेयर करने के लिए। बस शर्त ये है कि मोबाइल ज़्यादा छिड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा छिड़ा हुआ मोबाइल अगर रहता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है रिपेयर करने के लिए और काफ़ी दिमाग ख़राब होता है। तो ज़्यादा छिड़ा हुआ मोबाइल नहीं होना चाहिए, तो मोबाइल मैं रिपेयर कर दूँगा। मैं वॉइस ओवर करते करते थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, और कभी भी कोई चार्जिंग की अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसे मोबाइल में चार्जिंग जैक बदलना अच्छी बात है। हम डायरेक्ट मदरबोर्ड खरीद के लाते हैं, चार्जिंग बोर्ड लाते हैं और डायरेक्ट चार्जिंग बोर्ड ही बदल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि चार्जिंग बोर्ड जो होता है मोबाइल में लगा हुआ वो ओरिजिनल होता है और जो मार्केट में मिलता है वो डुप्लीकेट होता है। एक बार अगर डुप्लीकेट उसमें लग गया तो ज़िंदगी झंड हो जाती है मोबाइल की, इसलिए ओरिजिनल को ही रिपेयर करो, उसको ऐसा रिपेयर करो एकदम क्लियर बिल्कुल ओरिजिनल के टाइप ही दिखना चाहिए, कनेक्टर बदलने के बाद भी वो ओरिजिनल लगना चाहिए।
सोल्डरिंग पूरी तरह से फ्रेश होनी चाहिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से सोल्डर होना चाहिए, जैसे कंपनी का सोल्डरिंग रहता है। अगर कंपनी वाले भी देखे तो उनको भी शर्म आ जाए, इतनी अच्छी सोल्डरिंग करना है। और यहाँ पर दोस्तों जो जंग लगा हुआ था इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर, मैंने उसको क्लीन कर दिया, उस जंग से यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था जिसकी वजह से चार्जिंग की दिक्कत आ सकती है। तो इसको मैं दोस्तों दोबारा से सोल्डर करूँगा। वो जंग जो होता है पानी का जंग, वो धीरे धीरे पॉइंट को ख़राब कर देता है, सोल्डर को ख़राब कर देता है, और कनेक्टर के पिन जो होते हैं सोल्डर उनके टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो ये मोबाइल इसके पहले भी कभी खुला, और ये खुला तो इसके अंदर धीरे धीरे डस्ट जाने लगी, और कभी इसमें थोड़ा बहुत पानी लग गया होगा। इसमें तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये मोबाइल को पानी लगा है, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं से पानी अगर लग गया होगा तो वो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के ऊपर लग गया, और जिसके कारण डस्ट मिलके और पानी मिलके दोनों ने और उस जंग का रेजिस्टेंस बन जाता है। कभी कभी तो उस जंग की वजह से शॉर्टिंग भी तैयार हो जाती है। तो इसको हमें क्लीन कर देना है और रिसोल्डर कर देना है, उसके बाद हम इसको फिर से चेक कर देखेंगे कि इसका चार्जिंग का प्रॉब्लम निकला या नहीं निकला। ऐसे में दोस्तों अगर हम नई बैटरी लगाएंगे तो हो सकता है उससे भी दिक्कत निकल जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर बैटरी वगैरह नहीं बदला है, इसका डायरेक्ट मेन बोर्ड का ऊपर का जो बैटरी कनेक्टर होता है उसको भी रिपेयर किया, और बैटरी के ऊपर जो कनेक्टर होता है उसको भी मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ, जिसके कारण ये शायद प्रॉब्लम इसकी निकल सकती है। अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल आता है तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनके तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, डायरेक्ट आईसी के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको बारीकी से देखना पड़ता है, तब जाके मोबाइल कभी कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम से बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना देखे अगर छेड़ने जाएंगे तो अच्छे खासे मोबाइल की ऐसी तैसी हो जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। जब भी अगर कोई चार्जिंग वाला प्रॉब्लम का मोबाइल अगर आता है तो मेन बोर्ड के तरफ चार्जिंग वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सबसे पहले चेक करना ज़रूरी होता है। कभी कभी चार्जिंग वोल्ट जाता है मेन बोर्ड के ऊपर मगर फिर भी चार्जिंग नहीं होता, या फिर चार्जिंग होती हुई दिखाता है लेकिन स्टोर नहीं होती, तो ऐसे में बीच वाला जो पत्ता होता है या फिर चार्जिंग कनेक्टर होता है इसमें दिक्कत हो सकती है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर दे रहा है या फिर चार्जिंग आईसी तक के चार्जिंग वोल्टेज नहीं जा रहा है तो ऐसे में हमें जंपर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको दिखाया डायग्राम किस तरह जंपर करना है। और ये देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है, मैंने सिर्फ बैटरी कनेक्टर को क्लीन किया और रिसोल्डर किया और ये अभी चार्ज होने लग गया है। और डिजिटल चार्जर के ऊपर 1.8 एम्पियर तक के ये एम्पियर ले रहा है मोबाइल। अब इसमें फास्ट चार्जर लगता है तो उसमें क्विक चार्जर 3.4 एम्पियर तक के लगता है इसमें। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी जाएंगी। अब मैंने इस मोबाइल में ना चार्जिंग कनेक्टर बदला ना कुछ बदला, सिर्फ मैंने डायरेक्ट मेन बोर्ड के ऊपर वोल्टेज चेक किया और इसका प्रॉब्लम ढूंढा। आप भी इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को देख के प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद जय भारत।